India won the first test match against the Australia on Adelaide. तो इंडिया ने पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के अंदर जीत लिया है 31 रनों से। तो यहाँ पर बात करेंगे चंद चीज़ों पर कि इस मैच के अंदर कौन सी पॉजिटिव थिंग्स रही और कुछ नेगेटिव थिंग्स भी रही। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बातचीत होती रहती है कि जब इंडिया बाहर के दौरे पर जाती है कि जब सब कॉन्टिनेंट के अलावा खेलती हैं तो स्पिनर उतनी इफेक्टिव नहीं होती, स्पिनर सिर्फ जो है अपने सब कॉन्टिनेंट में जो इफेक्टिव होते हैं। तो खासकर यहाँ पर बात करेंगे आर अश्विन जो है कि एक तरह से उनके ऊपर जो है एक सिक्का लगाया था कि 350 विकेट लेने के बावजूद भी कि इनके ऊपर एक टपका लग गया था कि सिर्फ घर के अंदर विकेट लेते हैं तो बाहर जाकर ये विकेट नहीं ले पाते। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ ये रही कि आर अश्विन जो अच्छे फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी की और गेंदबाजी के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट्स लिए। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ जो रही चेतेश्वर पुजारा, ये 5000 रन जो है टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने पूरे कर दिए हैं और बैटिंग जो लाजवाब तरीके से की। वी कैन से दैट वी हैव गेट द सेकंड वॉर फॉर इंडिया। यस इट इज़ लाइक राहुल द्राविड़ जिस तरह से जो पिच के ऊपर खड़े रहते थे कि जल्दी आउट नहीं होते थे, तो चेतेश्वर पुजारा ने उस जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया है। और एक बात ही अच्छी रही कि विराट कोहली ने अपनी जो है अपने जो खेलने का जो स्टाइल है उसके विरुद्ध खेला कि ये वक्त ऐसा आया कि चेतेश्वर पुजारा का स्ट्राइक रेट विराट कोहली से ज़्यादा था। तो ये एक चीज़, दूसरी चीज़ अच्छी रही। तीसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पर जो गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही, सिर्फ 4 गेंदबाजों को खिलाया, ये अगर देखा जाए तो एक तरह से एक रिस्क था लेकिन फिर भी इन 4 गेंदबाजों ने 20 विकेट लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर जो तेज़ गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पॉजिटिव थी इंडिया के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें निगेटिव हैं। अगर इन चीज़ों को सही कर लिया जाए तो जो है इस सीरीज़ को जीत सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि इंडिया ने जो टेल एंडर्स हैं कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो सेकंड इनिंग्स के अंदर लगभग 150 के ऊपर जो है टेल एंडर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया कि इंडिया के जो लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है, लोअर ऑर्डर जो बैटिंग स्टाइल है कि ये ज़्यादा रन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज भी टिक जाता और कोई बड़ा अर्धशतक शतक लगाता तो ये मैच हाथ से जा सकता था। तो इंडिया के अगर लोअर ऑर्डर जो है ऋषभ पंत है, आर अश्विन है और ख़ासकर शमी है, ईशांत शर्मा है, तो ये बुमराह है, तो अगर कम से कम रन नहीं बनाए थोड़ा सा टिक जाते और हर बैट्समैन जो है हर 20 रन 25 रन भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो काफ़ी अच्छा हो सकता था। तो एक बात रही, उसके अलावा फील्डिंग है, फील्डिंग स्तर को और बढ़ाना है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी है चिंता का विषय है कि जो है टेस्ट मैच की उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाजी जो नहीं कर पाए, स्टंप विकेट कीपिंग तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा मुरली विजय का फॉर्म के राहुल भी खेल रहे हैं लेकिन ऐसे लग रहा है कि T20 खेल रहे हैं। तो आई होप के अगले मैच में सारे यहाँ प्रदर्शन अच्छा करेंगे, तो इंशाल्लाह अगली बार हाजिर होंगे सेकंड मैच के लिए। स्टे ट्यून्ड।